बैरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्यूशन करने आई एक नाबालिग लड़की को तीन युवकों के द्वारा अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप करने की वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की ओर से बैरूर थाने में योगेश और शीश राम और सही राम के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बैरूर थाने में नाबालिग लड़की के परिजनों के द्वारा अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 30 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग लड़की को दस्तायब कर परिजनों को सौंप दिया था। रेप पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 12 अप्रैल को कोचिंग के लिए उसकी सहेली ने बैरूर बुलाया था। उसके बाद योगेश और शीशराम और सहीराम ने अपहरण कर लिया। इसके बाद 13 अप्रैल को परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों ने लड़की के साथ होटल में जाकर दुष्कर्म किया था। लड़की को पुलिस ने दस्तायब करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद लड़की ने परिजनों को घटना बताई और उसके साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद आज पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का बहरोड़ के अस्पताल में मेडिकल करवाया। 12 तारीख को मेरे को सामने ज्योति लड़की की साथी ने फोन किया घर पे, अति सुबह पढ़ने के लिए आ जाना, मैंने पढ़ने के लिए आ गई कोचिंग पर। मैं नॉर्मल रोड पे आते ही उन सात लड़कों थे ना, तो उनको बुलाया, उनको बुलाकर उसने मेरे को ऊपर मुंह के ऊपर रुमाली डालकर काली ब्लैक कलर की और मुझे बेहोश होके उठा के ले जाने के बाद उस लड़की ने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया और वहाँ पता नहीं क्या क्या किया मेरे साथ। बेहोश होने के बाद लेके गए यहाँ 23 तारीख को थाने में लेके आए, तब मेरे को इस थाने वही आरोपी छोड़ गए आपको थाने में? नहीं, पुलिस वालों ने लेके आए, जो लेके गए उन्होंने चाकू दिखाया आपको? हाँ, उनको दिखाया और ये स्टाफ वाले सर इनके धमकाए मेरे को, ताकि ऐसा करो ऐसा नहीं होगा, मेरे को धमकी मारी इसने, धमकी से मैं रखने के कारण और ये ऐसा काम हो गया और मेरे साथ बहुत कुछ किया। और उस लड़की ने कौन थे वो लोग? वो लोग पहाड़ी के थे, दो लोग, फिर एक यानी इनका थाने का था। उन तीनों लोगों ने बहुत कुछ किया मेरे साथ, धमकाया आपको? हाँ, धमका भी था मेरे को। जानते हो कौन कौन है वो? हाँ, जानती हूँ। क्या नाम है? एक का योगेश है, एक का शीशराम है, एक का सहीराम है। इन्होंने मेरे को डांटा भी था, धमकाया था, चाकू दिखाया, फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने धमकाया। 30 तारीख को आपको छोड़ गए थाने? 30 तारीख को पुलिस वालों ने। धोला राम पुत्र माधव सिंह गुजर ने थाना पर एक प्रकरण दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को के अपहरण के संबंध में, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया नाबालिग को दस्तयाब कर लिया गया है और उसका मेडिकल मुकदमा जमा अनुसंधान जारी है।